सारे सारे रंग हैं हैं संग है। सलामत रहे रहे है सब की दुआ दिल्ली हेलो मैं हूँ मिनी माथुर और आप देख रहे हैं दिल्ली दिल से शायरों और बादशाहों की ये प्राचीन नगरी दिल्ली आज दुनिया भर के शहरों के बीच अपना सीना तान के खड़ी है कला संस्कृति विकास और उन्नति का ये जो मिश्रण है ये शायद ही देश के किसी और शहर में आपको देखने को मिले चाहे वो यहाँ के खूबसूरत बाग बगीचे हों या फिर यहाँ के लजीज पकवान या फिर यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक बार इस शहर में बस जाता है बस दिल्ली का ही हो जाता है आज हमारे साथ वो शख्स है जो खुद भी अपने आप को दिल्ली का फैन ही मानते हैं द लेटेस्ट बॉलीवुड सेंसेशन द मल्टी टैलेंटेड आयुष्मान खुराना

एक्टर ही बनना चाहता था और बचपन से एक्टिंग ही करना चाहता था थिएटर uh, करते करते uh, हम uh, अपने गाने खुद बनाते थे प्रोड्यूस करते थे कंपोज करते थे गाते थे <गणगी> तो एक्टिंग uh, के साथ साथ म्यूज़िक का भी रियाज़ होता गया वंडरफुल yeah. और आपने इसके बाद इसमें सिंगिंग में कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली कभी बचपन में लेता था स्कूल के टाइम पे इतना सीरियसली नहीं ली ट्रेनिंग ये मैं रिग्रेट करता हूँ अच्छा well uh, <laughs> ये बताइए रेडियो जॉकी रियलिटी टीवी कंटेस्टेंट फिर टेलीविजन एंकर थिएटर एक्टर प्लेबैक सिंगिंग मूवी स्टार कुछ ऐसा है जो आपने छोड़ दिया है I think the only thing left is cricket and politics ती, ती, cricket. I haath under 19 district level cricket as a leg spinner <laughs> Really? Yeah, आप 19 yeah. <laughs> भी भी खेल चुके हैं <laughs> जी जी तो अब तो अब सिर्फ politics ही बचा है उसमें भी अपना अगर नहीं 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 वो वो नहीं हाँ, तो, uh, मैं कर लेकिन ये थिएटर से रेडियो रेडियो से टेलीविजन और फिर फिर फिल्म मुझे लगता है ये फिल्म स्टार का जो टैग है ये कुछ ज्यादा हो जाता है थोड़ा फिकल भी है मूवी एक्टर इज इनफ ओके मूवी एक्टर इज व्हाट वी शैल कॉल यू बट ये जो आपने सफर की बात की यू नो दिस आपका एक बहुत ही सुंदर एक लीनियर स्ट्रक्चर चला है जो बिल्कुल ही एक करेक्ट एक जगह से ए टू बी टू सी जो आपका प्रोग्रेस है वो कैसा आपने सफर के बारे में कुछ बताइए हमें सफ़र शुरू चंडीगढ़ से हुआ था मेरी अपब्रिंगिंग चंडीगढ़ की है वहाँ पर पला बड़ा हूँ लेकिन दिल्ली में मेरे मटर्नल पेरेंट्स यहाँ पर रहते हैं ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर समर वकेशन के लिए आता था right. और दिल्ली मेरे ज़्यादा करीब है जैसे मदर टंग बोलते हैं या अपनी माँ के ज़्यादा करीब होते हैं तो मॉम से ही मेरी हिंदी अच्छी हुई है क्योंकि मेरी मॉम को पंजाबी नहीं आती है तो हाँ वो हिंदी एम ए हिंदी है और हिंदी में ही पढ़ती है जी हिंदी में बोलती हैं तो दिल्ली से होने की वजह से वो शायद हिंदी उनकी अच्छी है ज़्यादा और चंडीगढ़ से शुरुआत हुई थी फिर दिल्ली में मैंने रेडियो किया था मैं बॉम्बे गया था पहले एक्टर बनने के लिए वहाँ से मुझे वापस दिल्ली भेज दिया था रेडियो जॉकी बनाकर अच्छा ऑडिशन चल रहे थे मुंबई में एक्टिंग के चल रहे थे लेकिन वहाँ पर एक इंसान थे उन्होंने मुझे बोला कि आप आप बोलते कैसा हिंदी आपकी गया, अच्छा। पढ़ने के लिए। दो महीने का कोर्स था रेडियो पे राइट। और वहां पर उन्होंने कि आपकी भाषा बिल्कुल दिल्ली वाली है आप मुंबई में रेडियो जॉकी बन ही नहीं सकते हाँ क्योंकि रेडियो में ये होता है कि आपको लोकल कनेक्ट बहुत जरूरी होता है अगर आप शहर को जानते नहीं है पहचानते नहीं है तो उस शहर में आप रेडियो जॉकी बन ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल तो मुझे वापस दिल्ली भेज दिया गया था तो दो साल में दिल्ली में था और दिल्ली के बारे में बात करता था जो ये जो आपकी जो शो है जो बहुत ही फेमस हुई थी इसका नाम है बिग चाय मान ना मान मैं तेरा आयुष्मान right? काफी तकिया कलाम हुआ करते थे मेरे पहला था मान ना मान मैं तेरा आयुष्मान दूसरा था दिल्ली बदरपुर से बल्ली मारान मैं हूँ आयुष्मान फिर एक था द्वारका से धौला कुआ मैं हूँ आयुषमुआ <laughs> ये सबसे कॉर्नी था लेकिन मैं अक्सर अपने शो पे यूज किया करता था अच्छा आयुष्मान एज एन आरजे आपने दिल्ली और दिल्ली वालों के बारे में क्या जाना और क्या सीखा आई थिंक दिल्ली एक अच्छा कल्चरल मिक्स है दिल्ली में लोग सोचते हैं कि यहाँ सिर्फ पंजाबी लोग रहते हैं पर ऐसा बिल्कुल नहीं है uh, मेरी फिल्म पहली फिल्म ही दिल्ली के ऊपर है exactly. विकी डोनर जो है और वो कल्चरल मिक्स के बारे में बताती है कि बंगाली लड़की और पंजाबी लड़का हुँ. इनका आपस में इश्क कैसे होता है ये विकी डोनर का एक एक बहुत ही खूबसूरत सा जिस्स था तो मुझे लगता है कि यहाँ पे का, काफ़ी तरह के लोग रहते हैं लोग अक्सर बोलते हैं कि मुंबई है कल्चरल मेल्टिंग पॉट या फिर बैंगलोर है मुझे लगता है दिल्ली सबसे

आई थिंक दिल्ली आपको काफ़ी अच्छी ऑपरचुनिटी देता है उसके अलावा यहाँ पर एक्सपोजर uh, काफ़ी अच्छा है चाहे uh, थिएटर है या म्यूज़िक है आई uh, थिंक पहले क्या होता था कि आप अपने पेरेंट्स को बोल नहीं पाते थे कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ अब वो बदल गया है और खासकर दिल्ली वालों ने बदला है <laughs> <दिल्ली>, <laughs> सारे तो दिल्ली वाले सारे दिल्ली वाले मुंबई पहुंचे हुए हैं राइट <laughs> right. फ्रॉम शाहरुख खान टू तो इवन अमिताभ बच्चन जो के एम सी में थे या किसी और यहाँ पर दिल्ली में थिएटर किया करते थे सो so, uh, मुझे लगता है कि डेली ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है uh, hmm. यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल रेडियो थिएटर ऑफ माइंड अगर आप रेडियो करते हैं तो आप uh, मुझे लगता है कि आप आपकी भाषा स्ट्रांग uh, होती है आपके डायलॉग डिलीवरी में काफ़ी फर्क पड़ता है

लेटर देफ्लु चाहे आमिर खान या शाहरुख खान, hmm. hmm. खान इन कभी हाँ कभी ना आमिर खान इन जी तवे सिकंदर एंड uh, आमिर खान अगेन लगान सो so, ये काफ़ी इन्फ्लुएंसेस थे जो चाइल्ड uh, नाइन्टीज तो नाइन्टीज में काफ़ी ऐसी सिनेमा थी जो मुझे काफ़ी प्रभावित करती थी आयुष्मान बहुत कम लोग जानते हैं कि आप पोइट्री भी लिखते हैं और आप एक हिंदी में अपना ब्लॉग भी लिखते हैं व्हिच इज व्हिच इज वंडरफुल तो जिनको आपकी अंतरात्मा की भाषा और ख्यालात सुनने हो वो क्या करें कहाँ जाएं uh, वो एक ब्लॉग uh, स्पॉट है aayushmankurana.blogspot.com उस पर okay. जाकर पोएट्री देख सकते हैं और उसमें आप क्या-क्या लिखते हैं uh, मैं कुछ भी लाइफ के ऊपर लिखता हूँ, कुछ uh, रोजमर्रा की जिंदगी ऊपर लिखता हूँ पोइट्री भी ब्लॉग में डालता जी पोट्री ही है उसमें और, और कुछ नहीं है और कुछ नहीं है अरे फिर तो सैंपल भी आपको सुनाना पड़ेगा वो एक्चुअली मेरे सेल फोन पे अच्छा। आ, क्योंकि मुझे अपनी कविता याद नहीं रहती है <laughs> तो इट्स कॉल्ड मुखौटे जी लाइक चेहरे मुखौटे हैं मुखौटे ही तो चेहरे हैं अंदर का राम जला दिया कैसे उल्टे पड़े दशहरे हैं अपनी ही आवाज सुन ना पाए हम पूर्ण रूप से बहरे हैं मन की नदी उफान पा ना सकी हम दिखते कितने गहरे हैं ये मुखौटे कोई उतार ना ले लगा दिए लाखों पहरे हैं 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 चेहरे हैं मुखोटे हैं, मुखोटे हैं तो चेहरे मुखौटे मुखौटे ही तो लाखो पहरेट्रीफैक्ट आजकल मैं ब्लॉग्स में नहीं डालता हूँ क्योंकि hmm. आजकल मैं अपने गाने खुद लिख रहा हूँ स्पीकिंग ऑफ विच आपकी जो पहली फिल्मी उसमें आपको कितने अवार्ड भी मिल गए That was like a smash hit. तो वो आपने खुद लिखा खुद परफॉर्म किया कॉलेज yeah. uh, में हुआ था बी कॉलेज चंडीगढ़ में और मेरे साथ मेरे को कंपोजर रोचक कोहली इज माई चाइल्ड हुड बाडी फ्राम स्कूल चंडीगढ़ तो हमने एक बारिश के दिन में ऐसी गाना कॉफी हाउस में बैठकर लिख दिया था mm. और हमें नहीं पता था कि गाना इतना बड़ा हो जाएगा क्योंकि कोई एजेंडा नहीं था गाने के पीछे हम कुछ भी बनाते थे तो आई थिंक इफ दे इज नो एजेंडा

माहियान आया माहियान आया मेरा रांजण न आया अखाँ नूर वेख के अखियां चू हंझूर उड़े कमली हो गई तेरे बिना आ जा राजन मेरे बारिश बरखा सब कुछ बह गई आया नी जिंद मेरे अखाँ का नूर वेख के अखियां चूँ हंझूर उड़दे

वो भी आसानी हुई थी Correct. एक और फिल्म आ रही है हमारा बजा, जो उसमें स्ट्रगलिंग एक्टर प्ले कर रहा हूं, तो वो स्ट्रगलिंग एक्टर भी मैं था। <laughs> तो अगर इनिशियल में अगर आप वैसे रोल्स करेंगे जो आप पहले में कर चुके हैं, तब आप शायद उसे और बिलीवेबल बना पाएंगे ऑडियंस के लिए ये बताइए uh, you, yeah. तो कि कौन सा गाना है जिस जो आपने गा के उनको

ओ, ओ, फूल तुम गुलाब का क्या ख्याल आपका ये अदा है या बहार है आज दिल की वो कली आ गई जुबान पर बात ये है तुमसे प्यार है दिल तुम ही को दिया रे प्यार का राग सुनो रे उ, दिल का भवर करे पुकार प्यार प्यार का राग सुनो, प्यार का राग राग सुनो सुनो रे wow, आपने वो काम कर दिया जो आप अपने फादर इन के सामने नहीं कर पाए <laughs> टू वो, वो गलत हो गया <laughs> सुधार ऑसम <लो>. yeah. <laughs> awesome. अच्छा आयुष्मान मैंने नोटिस किया कि आजकल जो फिल्म डायरेक्टर्स है वो दिल्ली को अपनी फिल्म में अ, ऑलमोस्ट एक हीरोइक रोल देते हैं जैसे जैसे फिल्म से जैसे बैंड बाजा बारात या yeah. दिल्ली छे, या फिर आपकी खुद की hmm. विकी डोनर तो so, आजकल आपको ऐसे क्यों लगता है कि क्रिएटिवली क्रिएटिवलीसो दिल्ली को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट uh, फैक्टर uh, माना जा रहा है यू नो फॉर क्रिएटिव मुझे लगता है okay. दिल्ली में दो शहर बसते हैं एक पुरानी दिल्ली एक नई दिल्ली hmm. पुरानी दिल्ली में आपको कल्चर नज़र आएगी वहाँ करीम वहाँ खा खाने खाने की चीज़ें नजर आएंगी छोटी छोटी गलियाँ नज़र आएंगी रिक्शा नज़र आएंगे पुरानी बिल्डिंग इमारतें नज़र आएंगी वहाँ पर नई दिल्ली में आपको लाटन डेली नज़र आएगी जो ब्रिटिश आर्किटेक्चर नज़र आएगी और ये जो आई uh, थिंक ये जो सिनेमेटिक लिबर्टी कोई डायरेक्टर यहाँ पर ले सकता है और कहीं ले नहीं सकता क्योंकि आपको चौड़ी सड़कें नज़र आएंगी एक जगह पर वहाँ पर आपको छोटी सड़कें नज़र आएंगी और यहाँ की लैंग्वेज जो है काफ़ी इंडियरिंग है मुझे लगता है एक एक अलग स्टाइल है ये कर लियो वो कर लियो ऐसे मत कर मतलब हाँ, <laughs> <laughs> और काफी चीजें जैसे कि में हमने यूज़ किया था वो जो छत का प्यार होता है वो मुंबई में आपको कभी नजर नहीं आएगा मुंबई में तो बिल्डिंग्स के ऊपर छत पे जाने का अलाउड ही नहीं होता टू गो देयर तो यहाँ पर वैसा नहीं होता है यहाँ पर छत पर ही आपको आपको अपनी पड़ोसन से प्यार हो सकता है तो वो जो छोटी छोटी चीजें आपको दिल्ली में काफी नजर आती है तो दिल्ली का रंग जो है पूरा देश जो है एंजॉय कर रहा है फिल्मों के जरिए बट आयुष्मान uh, आपका पर्सनली एक्सपीरियंस कैसा रहा व्हाइल शूटिंग विकी डोनर लार्ज पार्ट ऑफ इट वाज शॉट इन दिल्ली दिल्ली इनफैक्ट ऑल ऑल ऑफ ऑफ इट इट वाज वाज शॉट शॉट इन इन दिल्ली कैसा रहा आपका एज यू नो बिकॉज़ कहा जाता है कि बॉम्बे इज द सेंटर फॉर फिल्म्स और सब yeah. वहीं पर वेल ऑयल चलता है लेकिन जब आप दिल्ली में शूट कर रहे थे तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस द बेस्ट पार्ट ऑफ दिल्ली इज दिल्ली में शूट करना भी आसान है बॉम्बे <laughs> में परमिशन आसानी से मिल जाती है और उनको काफ़ी फिल्मी लोग हैं दिल्ली में मुझे ऐसा लगता है और दिल्ली में शूट करते वक्त लाजपत नगर की गलियों में मैं रहा था एक महीने के लिए वहाँ के लड़कों के साथ क्रिकेट खेला था और मुझे लगता है हर पाँच साल बाद यहाँ की वोकेबरी चेंज हो जाती है नए नए शब्द आ जाते नए शब्द आ जाते हैं तो शब्द के शब्दों के साथ पहचान बनाने में थोड़ा वक्त लगता है तो मैं अपनी अपने नोट्स बनाता था सेल पे या फिर अपनी डायरी पे कि कौन से वर्ड्स आए नए वाले <laughs> उनको लिख लेता था क्रिकेट खेलते खेलते जो लोग गालियाँ देते थे वो भी सीख लेता था नई गालियाँ <laughs> <laughs> तो तो उनके गालियों में प्यार होता दिल्ली की बेस्ट पार्ट ये है और लाजपत नगर में शूट करते हुए काफ़ी मिडिल एज आंटीज़ ने मुझसे पूछा था कि बताइए कि फिल्म क्या क्या फिल्म बना रहे हो आप मैंने कहा ये इस सब्जेक्ट पर फिल्म है तो अच्छा ये क्या होता है इनको उनको आइडिया, आइडिया नहीं था, था कि क्या हो रहा है उनके बच्चे बोलते थे बोल oh तो <laughs> <अभी सुन> <laughs> तो तो शूट करने के दौरान लाजपत नगर में सुभाष नगर में शूट किया था हमने hmm. वहां पर ब्रेकफास्ट मेरा किसी और के घर पे होता था लंच कहीं और होता था डिनर कहीं और होता था थे वहां के पूरी पूरी तरह घुल मिल चुका था

ऐसी क्या बात है आपको जो लगती है जो नौजवानों को बहुत आकर्षित करती है अपनी तरफ ऐसे यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है एक्सपोजर ज़्यादा है जैसे मैंने पहले बोला था अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो मुझे लगता नहीं आपको ब्रॉड जाने की जरूरत है वोकेशनल कोर्सेज़ काफ़ी यहाँ पर आ चुके हैं mm. काफ़ी और करियर ऑप्शंस बढ़ चुकी हैं mm. uh, सुनने में मैंने ये भी सुना है कि जो यहाँ पर रहते हैं उनको किसी बाहर कहीं और जाने की जरूरत अपने इलाज के लिए भी नहीं होती है बिकॉज हॉस्पिटल्स आर सो गुड इन फैक्ट मोस्ट ऑफ़ द गुड इंस्टीट्यूट्स आर इन डेली फ्राम फ्राम आई आई टू एम्स टू मौलाना आज़ाद लेडी हार्डिंग ऑल गुड मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में इसलिए नाम दे रहा हूँ क्योंकि मैं मेडिकल स्टूडेंट था एलेवन ट्वेल्थ में और uh, मेरी कहीं पर कर्नाटका सी टी क्लियर हुई थी डेली <laughs> में किसी कहीं पर क्लियर नहीं हुई थी yeah, the good medical institutes पर याद है गुड मेडिकल इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर कम्यूनिकेशन कोर्सेस काफ़ी अच्छे हैं फ्राम जामिया टू जे एन यू टू आई पी आई थिंक यहाँ पर इतने इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज इवन फॉर डिज़ाइनर्स एंड आर्टिस्ट तो हर कोई दिल्ली आना चाहता है

जैसे कि हम बात कर रहे थे कल्चरल मेल्टिंग पॉट है यहाँ पर अब इंक्रीजिंग इंक्रीजिंगली लार्ज नंबर ऑफ़ फेस्टिवल्स यूथ कॉन्सर्ट्स यहाँ पर यूथ बहुत खुल के इन्वॉल्व हो रहा है अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उन्हें टू बी अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दिस तो ये चेंज आपको यू uh, नो you know, कैसा लगता है फ्रॉम फ्रॉम वेन यू डिल हैव दिस अपॉर्चुनिटीज़ टू टुडे जबकि इतना कुछ uh, हमारी यूथ को अवेलेबल हो गया है culturally speaking. It's great कि दिल्ली में जितनी जितने जितने uh, musical concerts होते हैं जो पेड भी नहीं होते exactly. free to आपको नहीं. है hmm. आपको एंजॉय करना है hmm. और इस वजह से आपको वही लोग नजर आएंगे जो सच में पैशनेट हैं इसके लिए hmm. जो शायद अफोर्ड भी नहीं कर पाते बट देवॉल्व एज पर्सन या फिर म्यूजिकली uh, इवॉल्व होना चाहते हैं ऐसे कल्चरल फेस्ट में जाकर चाहे कुतुब मीनार में होते हैं कई सूफी फेस्ट या फिर निज़ामुद्दीन दरगाह में होते हैं uh, 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 श्री फोर्ट में इंटरनेशनल आर्टिस्ट आते हैं हैं परफॉर्म करते सूफी होते हैं सूफी म्यूज़िक से लेकर रॉक कॉन्सर्ट्स तक आपको सब कुछ यहाँ दिल्ली में मिलता है ओके बट टेल मी ऑन थिंक कुछ देर पहले हम बात करे थे कि दिल्ली वाले जो होते हैं वो दिमाग से भी गर्म होते हैं दिल से भी गर्म होते हैं ऐसी क्या पिक्यूलियारिटीज है आपने जो दिल्ली वालों के बारे में नोटिस की

आई uh, थिंक सबसे बड़ा चेंज दिल्ली में तब यही था कि रेडियो स्टेशन मैक्सिमम दिल्ली में हुआ करते थे hmm. और uh, जो सेकेंड फेज था ऑफ रेडियो वो दिल्ली से शुरू हुआ था दिल्ली वाले रिसेप्टिव uh, होते हैं एंटरटेनमेंट के लिए hmm. और रेडियो के लिए भी ऐसे हुआ था hmm. तो ये चेंजेस बाकी uh, आपके इसमें मेट्रो में हुए हैं आई थिंक दिल्ली मेट्रो इज़ अ ग्रेट लेवल ऑफ

छत पे सोना पड़ता था क्योंकि लाइट चली जाती थी तब जनरेटर्स भी नहीं होते थे उस टाइम पे बचपन में तो लेकिन अब आई थिंक इट इज चेंज सो मच कि 24/7 जैसे मुंबई में वैसे दिल्ली में भी अब होता है इज पल्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आपकी अच्छी है तो आप वेल कनेक्टेड रहते हैं और अब उस शहर में रहने का मजा आता है exactly. तो बिकॉज़ ऑफ दिल्ली मेट्रो बिकॉज़ ऑफ डीटीसी बसेस जो सीएनजी हो चुकी हैं पर्यावरण पर बहुत असर पड़ा है तो आई थिंक ऑल दीस थिंग्स दे हैव मेड दिल्ली अ परफेक्ट सिटी आप जब बॉम्बे में रहते हैं तो आप डू यू मिस द ग्रीन यू नो गार्डन्स ऑफ दिल्ली लोधी गार्डन है बुद्धा जयंती पार्क है यू नो ऑल दीस लवली ग्रीन स्पेसेस क्योंकि अब दिल्ली का ग्रीन कवर भी कुछ 20% है डीप और द इंडस्ट्री कि नॉर्मली स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द जिम जो जो दिल्ली वालों को ये बेनिफिट होता है कि आप लोधी गार्डन यहाँ पर कहीं पे जॉक के लिए जा सकते yeah. हैं इंडिया गेट की सुबह सुबह जॉक पे जा सकते हैं हवा हैं। खा सकते हैं वो हम मुंबई में नहीं, नहीं कर सकते हैं एंड आई गॉट टू नो दैट ग्रीन कवर हैज गॉट इंक्रीज मेनीफोल्ड फ्रॉम टू परसेंट टू ट्वेंटी परसेंट इट इज अमेजिंग नॉर्मली उल्टा होता है यहाँ पर हाँ, अब यहाँ बढ़ा बढ़ गया आयुष्मान जाते जाते आप नौटंकी साला में जो आपका गाना था विच बिकेम सो पॉपुलर द गली वो भी एक बार हमें सुना के जाइए ओके okay. <laughs> <laughs> लग दी तू क्यों दूर दवाब अखियाँ चो वयाब दिल में लगाना तेरे नार दिल में लगाना तेरे नार रूह व साजा सीने लाण वाली है That was beautiful. thank you so much. That was beautiful. So there you go, singer, writer, actor, television host. खुराना के साथ आज की मुलाकात आई होप आपको पसंद आई हो आयुष्मान दिल्ली दिल से मैं हमारे साथ दिल से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर मूवीज एंड वंडरफुल थिंग्स